भूषण ज्वेलर्स। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोल सिंह ठाकुर ने रविवार को मंडल मुख्यालय पधर से अपना चुनावी शंखनाद किया। सामुदायिक भवन पधर के खेल मैदान में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान कोल सिंह ठाकुर ने प्रदेश की जयराम सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम जयराम की कारगुजारियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जयराम गलतफहमी में न रहे, मुख्यमंत्री चुनाव हारते हुए देखे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। महंगाई और बेरोजगारी से आम लोगों सहित युवा वर्ग हताश और निराश है। प्रदेश 75,000 के कर्जे के बोझ में दबा हुआ है। इसके बावजूद जयराम सरकार ने फजूल खर्ची की सारी हदें पार कर दी हैं। करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जा रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर सरकारी धन की बर्बादी की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे बड़ा घोटाला प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही इसकी जाँच करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 5 साल के इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। प्रदेश में वर्तमान समय में 1.5 लाख से अधिक पद विभिन्न विभागों में रिक्त चले हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश के वित्तीय हाल ये है कि डीए और अन्य भत्ते देना दूर की बात, कर्मचारियों के वेतन के लाले सरकार को पड़े हुए हैं। अब चुनावों के समय लोगों को गुमराह करने के लिए झूठी घोषणाएं जयराम सरकार कर रही है। कोल सिंह ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह के बाद वह प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। पार्टी के सभी पदों पर विराजमान अन्य नेता मान सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी एक तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होगी। पूरा द्रंग विधानसभा क्षेत्र एक परिवार है। द्रंग की जनता ने उन्हें 8 बार विधायक चुनकर विधानसभा में भेजा है। अब 9वीं बार द्रंग की जनता के आशीर्वाद से वे चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। इसका पूरा मन द्रंग की जनता ने बनाया है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 1 माह का समय पार्टी के लिए देने का आह्वान किया, जिस पर पूरा पंडाल कोल सिंह ठाकुर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोल सिंह ठाकुर की बड़ी जीत का संकल्प लिया। लोगों को झूठ बोल बोल करके, भ्रष्टाचार करके, विकास के काम ठप करके, महंगाई बढ़ा करके, बेरोजगारी बढ़ा करके इनके पाप का घड़ा भर चुका है। तो जयराम जी, आपके बारे में यही कहूंगा, अगले चुनाव में ना तुम ही रहोगे ना साथी तुम्हारे, मंत्री भी नहीं बचेंगे। जयराम जी, ना तुम ही रहोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी आपकी पाप की किस्ती तो डूबेगी तुम सारे। फिर जयराम जी निकलेंगे, जयराम जी बोलेंगे मुझे कोई दम न था, मुझे दम ये हुआ, मुझे कोई दम न था, दम था तो ये दम था कि जहां डूबी मेरी किस्ती वहां पानी बहुत कम था। और आप डुबाएंगे इनकी किस्ती को, आप डुबाएंगे इस किस्ती को, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे धन की जनता पर विश्वास है, धन के मतदाताओं पर विश्वास है, धन के भाई बहनों और नौजवानों पर विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 9वीं बार आप विधानसभा में चुन करके भेजेंगे और इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए मैं काम करूंगा। अगर मेरे से कहीं गलती रह गई है, पिछली बार कोई गलती रही है, उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं। और मेरी कोशिश होगी कि किसी को निराश न करूं, किसी को निराश न करूं। और विशेष तौर पर जैसे मेरा नारा रहा है, काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ये मेरा आप लोगों का वादा रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।